This असिस्टेंट डायरेक्टर्स conference will हैं now be ये recorded. बेसिकली। इसमें मिर्जा हुसैनी तो रीसेंट है, डीका नौसिन 22 ईयर ओल्ड है, रीसेंट ग्रेजुएट इन इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है। ये भी 3 साल पहले ही ज्वाइन किया। खाली जिमी एड्रॉस जो शुरुआत से इनके साथ है, तो इसको शुरुआत से आइडिया कंपनी के बारे में, राइट। अमेंडा क्या करती है? बिजनेस प्लानिंग कंट्रोलिंग करती है, कॉर्पोरेट टेंडर्स वो देखती है। सूफी डुबिस मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहा है, क्लाइंट लाइजनिंग कर रहा है। मिर्जा हसनी इवेंट प्लानिंग स्केड्यूलिंग कर रही है। किसी को कोई डाउट है? माइक अनम्यूट हुआ। अच्छा, वेन्यू सोर्सेज रिसोर्स प्रोक्योरमेंट वगैरह। डीका नॉक्सी जो नया नया ज्वाइनी है, इवेंट कोऑर्डिनेशन, इवेंट डिलीवरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है। जिमी अल्ट्रॉस फाइनेंशियल कंट्रोल, आईटी सपोर्ट, डेटा एनालिटिक्स, एचआर सब देख रहा है, ठीक है। ऑपरेशंस के केस में नीचे आपको डायग्राम बता रखा है। इवेंट इनिशिएट होगा, टेंडर आएगा इनके पास, फिर आउटलाइन करेंगे लोग प्लानिंग, ड्राफ्ट प्रोजेक्ट इनिशिएशन डॉक्यूमेंट, डिटेल प्लानिंग करेंगे लोग, सेटअप इवेंट टीम, बुक द वेन्यू, वेन्यू एक्सेस कंट्रोल होगा, फिर उसके बाद पोस्ट इवेंट जो भी इनका इवेल्यूएशन प्रोसेस है वो देखेंगे, ठीक है। दिस इज अ जेनरिक प्रोसेस कि कैसे इवेंट मैनेज होता है। डन। द प्रोसेस डज नॉट कंटिन्यू टू दिस स्टेज इफ द टेंडर इज नॉट सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स अगर आपने फर्स्ट लेवल पे टेंडर भरा और टेंडर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो आगे के स्टेप्स नहीं होंगे, ये तो नहीं भी बताएगा तो भी हमको पता है, थैंक यू। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहाँ का यूज हो रहा है? इवेंट प्लानिंग में ये हमने लास्ट टाइम देखा था, इवेंट टिकटिंग में, मार्केटिंग सिस्टम में, एमआईएस में, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रैंडम वेबसाइट, मैंने कहा था यहाँ से विजन मिशन पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, मिशन यहाँ पर है, रैंडम मिशन इज टू प्रोवाइड ऑल द क्लाइंट टॉप
इज अ टेक्निकल इशू। मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है? ऑडिबल एवरीवन? हाँ जी, तो हम आए थे इस पे प्री सीन पर। तुम ये कहना चाह रहे कि सबसे बड़ी रिस्क जो ये इसको लग रही है कि ये फेस कर सकता है वो ये है कि नए एंट्रेंस इजीली आ सकता है, ठीक है? पर फाइनेंशियल रिस्क क्या होगी? व्हाट कैन बी अ फाइनेंशियल रिस्क इन एन इवेंट? लॉस में चला जाए, ऑन रिस्क कॉन्ट्रैक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। भाई 6-6 महीने पहले इवेंट की बुकिंग हो जाती है, तो तब हमने टेंडर विन करने के लिए उसको बिल्कुल कम प्राइस दिया, कम मार्जिन लगा के, और 6 महीने बाद जब टेंडर एग्जीक्यूट करने की बारी आई तब अचानक से कोई क्रूशल एलिमेंट का प्राइस अप हो गया और हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉस में चला गया। तो द कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग सम इंडिविजुअल इवेंट में एक्सीड द अग्रीड बजट, जिसके कारण लॉस मेकिंग इवेंट हो सकता है, राइट? कॉर्पोरेट क्लाइंट आर ऑफर्ड कमर्शियल क्रेडिट टर्म्स, तो बैड डेट्स की रिस्क है, क्योंकि बड़े बड़े क्लाइंट्स को आप क्रेडिट ऑफर कर रहे हो और ऑप्शन ही नहीं है, बाकी जने भी ऑफर कर रहे हैं तो तुमको भी ऑफर करना पड़ेगा। इकोनॉमिक रिस्क क्या होगी यहाँ पे? इकोनॉमी की रिस्क, इंटरेस्ट रेट हाई हो गई या इन्फ्लेशन आ गया या कोई और इश्यूज हो गए जिसके कारण आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले तो फिजिबल था और बाद में अनफिजिबल हो गया। कंप्लायंस रेगुलेटरी रिस्क, ऑफकोर्स रेगुलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी बोला है, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है उस कंट्री में, तो रेगुलेटरी रिस्क रहेगी रहेगी। मैंने आपको बताया था कितने सारे इवेंट में सेफ्टी इश्यूज तो होते ही होते हैं, राइट? तो आप एक बड़ा पब्लिक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और कुछ भी नहीं तो स्टैम्पीड होने के चांसेस हैं, किसी बच्चे के घूमने के चांसेस हैं, किसी को इंजरी होने के चांसेस हैं, ई टीजिंग होने के चांसेस हैं, तो वो सारी की सारी रिस्क आपके ऊपर है। इफ यू सी सम ऑर्गेनाइजेशंस, बिग कॉर्पोरेट्स ऑर्गेनाइजिंग सम म्यूजिकल नाइट्स और मे बी डांस पार्टीज वगैरह, तो कितने बॉडीगार्ड उनको रखने पड़ते हैं, बिकॉज एनीथिंग हैपेंस इन द इवेंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो ये तो बहुत आउटर लेवल पे बात होगी कि लोग आए इवेंट में, लोगों ने कुछ क्योस क्रिएट किया, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सोचो जो मेरे इक्विपमेंट है उसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी। आपने पूरा स्टेज टेंटिंग लाइटिंग अरेंज किया और आपके पीपल ने एक आध वायर ओपन छोड़ दी और किसी को उससे करंट लग गया, वो तो सीधा आपकी जिम्मेदारी, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, ठीक है? तो वहां पर मेकिंग श्योर कि जब सेटअप हो रहा है, बिकॉज ये सारा मूवेबल सेटअप होता है इवेंट्स का, सेटअप हो रहा है, नो ओपन वायर्स लेफ्ट, एवरीथिंग इज टाइट इनफ, टेंट का टेंट गिर गया, किसी ने थोड़ा सा पुश किया और टेंट ही गिर गया, दैट कैन ऑल्सो बी अ क्योटिक सिचुएशन फॉर यू, राइट? आपने कुछ लैम्प शेड्स वगैरह लगाए उधर जस्ट फॉर द डेकोर पर्पस और वो डेकोर ही गिर गया, दैट कैन बी वेरी रिस्की। ऑपरेशनल रिस्क, आईटी सिस्टम फेलियर, सब तो आईटी पे चल रहा है, आपकी टिकटिंग वगैरह इस पे चल रही है, सब कुछ इस पे चल रहा है, सिस्टम फेल हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। परफॉर्मेंस में हमने कॉन्ट्रास्ट देखा था, रेवेन्यू टर्म्स में तो बढ़ रहा है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके कम हो रहे हैं, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इश्यू क्या आ रहा था। रैंडमाइज बिल्ड बिजनेस अराउंड कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट इवेंट्स, बार बार यही कह रहा है, हमने पब्लिक इवेंट्स लिए नहीं है। कॉर्पोरेट इवेंट सिग्निफिकेंटली मोर फी इनकम एंड प्रॉफिट as compared to the private event. Of course, corporate event बड़ा भी होगा, पर corporate event में bad debt का भी डर है क्योंकि corporate वाला cash में नहीं दे रहा है, ठीक है? Fee income इनकी बढ़ती जा रही है पिछले सालों में, लेकिन operate which is a good number 780 हो गया इनका, 740 से 780, 40 million इनका revenue बढ़ गया, fee income बढ़ गया, लेकिन इनका profit 38 से 36.5 आ गया, लगभग 2 मिलियन प्रॉफिट फॉल हो गया, जबकि इनकी 40 मिलियन सेल्स बढ़ी है, विच इज अनएक्सप्लेनेबल बाय कॉर्पोरेट टेंडर्स। टेंडर इनविटेशन 148 आए थे, उसमें से इन्होंने 20 टेंडर सबमिट ही नहीं किए, क्यों नहीं सबमिट किए? मे बी उनको इंटरेस्ट एरिया नहीं लग रहा होगा उसका, बट सबमिट करते तो ज्यादा होने के चांसेस होते। टर्नआउट रेशियो देखो इनका 128 का 58, टर्नआउट रेशियो 50% भी नहीं है, जितने टेंडर भर रहे हैं उसके 50% भी नहीं एक्सेप्ट हो रहे, 50% से भी कम एक्सेप्ट हो रहे हैं। 86% ऑफ ऑल इनविटेशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वर कंप्लीटेड एंड सबमिटेड, ओनली 45% वर सक्सेसफुल। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर गिरता जा रहा है, एनपीएस विच इज क्लाइंट लॉयल्टी सेटिस्फेक्शन इज गोइंग डाउन, क्यों नीचे जा रहा है? एनपीएस इज यूजफुल फॉर बेंचमार्किंग, ओके, लाइकली फ्यूचर बिजनेस पर्सपेक्ट्स, ओके,
तो अगर मैं देखूं तो वो पिछले सालों के कंपैरिजन में ये साल प्रॉफिट भी गिर गया और पिछले सालों के कंपैरिजन में ये साल उसके साथ साथ क्या हुआ है, सेटिस्फेक्शन स्कोर भी गिर गया. व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजन? कुछ दिख नहीं रहा है इसमें. अगर इसमें कुछ नहीं कह रखा है तो रीसेंट डेवलपमेंट आपको केस स्टडी में वहां पे देगा. एंड आई कैन प्रूव व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस. 34 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, कुछ चेंजेस नहीं किए. तो यू विल हैव टू नोट डाउन द चेंजेस व्हिच हैव बीन मेड इन रीसेंट इयर्स. आप देखो तो इसका फॉल जो जा रहा है वो कंसिस्टेंट फॉल जा रहा है. देखिए यहां से यहां गए एक आधा मिलियन का, और फिर लेकिन 2003 तो बहुत ही बुरा एकदम से जंप. जस्ट चेक एट द कॉन्ट्रास्ट फ्रॉम 2002 to 2003. 2002 to 2003 में सेल्स या फी इनकम बढ़ी है. यहाँ पे देखिए 2 to 3 वापस जाएं, 8.4 से 7.5. चलो 9.1 का 8.4 हुआ, 0.7 गिरा है ना. और इधर तो आपका सीधा 0.9 गिर गया. तो कंसिस्टेंटली गिर ही रहा है. व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजंस? वो आपको बताएगा केस स्टडी में, अपेंडाइसिस में, कि पिछले एक साल में या दो साल में क्या चेंजेस हुए हैं. या तो फिर मार्केट में न्यू एंट्रेंस आ गए, दैट कैन बी अ प्रोबेबल रीजन. उसके कारण आपको प्राइस डाउन करना पड़ गया, तो प्राइस कट डाउन करना पड़ गया. पुराने हो तो आपकी इनकम तो आपकी बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट आपका नहीं बढ़ा. अब प्राइस कट डाउन करने के चक्कर में हो सकता है आपने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए, कहीं तो कॉस्टिंग मीट करनी पड़ेगी. लॉस में तो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकते, तो उस चक्कर में आपका क्लाइंट सेटिस्फेक्शन स्कोर कम हो गया. अगर आपको कोई नई टेक्निक लगाने को बोलता है, ठीक है, जिससे आप क्वालिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगा, क्या तुम वो टेक्निक अडॉप्ट करोगे? भाई बोल रहा है बहुत कंपटीशन है मार्केट में, अपेंडाइस वन में बहुत कंपटीशन है मार्केट में. एक काम करते, एक नई टेक्निक अडॉप्ट करते जिससे जो भी हमारे इवेंट में जो भी प्रॉप्स वगैरह यूज हो रहे हैं, जो भी चीजें यूज हो रही है, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी. थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होगा पर कॉस्टिंग कम हो जाएगी और आपका इवेंट प्रॉफिटेबल हो जाएगा. दैट्स द सॉल्यूशन. विल बी डूइंग इट. इनका प्रॉफिट भी कम हो रहा है और इनका ग्रुप स्कोर भी कम हो रहा हम्म. है, इनको चूज करना पड़ेगा एक का टू करने के लिए पिछले जन. इसका मिशन था कि मिशन क्यों भूल रहे हो? मेन पॉइंट वो था, डिपेंड नहीं करता है. आपका हर सोल्यूशन शुड बी लिंक्ड टू योर मिशन विजन. गोट लो इसको अगर तुम्हें गोना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे. टॉप क्वालिटी सर्विस इंश्योरिंग दैट द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर फुली मेट, राइट. वन केस स्टडी इसका ही एक सब पार्ट में कि क्लाइंट ने बोला कि उसका वेडिंग इवेंट लिया हमने, प्राइवेट इवेंट लिया. वेडिंग इवेंट में हम लोग अच्छा खासा मार्जिन ले रहे हैं, बड़ा ही वेडिंग है. क्लाइंट ने बोला कि उसकी वाइफ को मे बी कोई पर्टिकुलर फ्लावर्स पसंद है, लिलीज बहुत पसंद है. तो आपका सारा डेकोर जो होगा मेन वेडिंग डे के दिन वो लिलीज से होगा. अब अचानक से इवेंट डे तक आते आते लिलीज महंगी हो जाती है, तो बिना क्लाइंट को बताए आप रोज़ करने की सोच रहे हो. पहला चीज तो ये एथिकल नहीं है, ये तो चीटिंग हो जाएगा. या आप क्लाइंट को कन्विंस करना चाह रहे हो, जा रहे हो दैट लिलीज अच्छी नहीं है और मार्केट में है भी नहीं, तो पूरा डेकोर नहीं हो पाएगा. सो लेट्स डू रोज़ेस. तो क्या लगता है, सही है डिसीजन? इफ यू वांट टू गो एंड टॉक टू योर क्लाइंट, ओके. सब एथिकल बोल रहा है, कोई अनएथिकल नहीं है, ठीक है. एथिकली हमारे पास एक सोल्यूशन है. हमारे मैनेजर हमको कहते हैं, इवेंट मैनेजर, चलो हम क्लाइंट से बात करते हैं और हम उसको बोलते हैं लिलीज छोड़ दे, अपन रोजेस करते हैं, बहुत बढ़िया डेकोर करके देंगे. क्या ये जाके बात करें? शुड वी बी पुटिंग अप दिस प्रपोजल टू द क्लाइंट? आप इस देखो, शादी रोज रोज करेगा क्या? हम लोग को स्क्रीन दिख, शादी रोज रोज करेगा क्या वो? उसके लिए वो एक स्पेशल इवेंट डे है और उसमें उसके लिए फिर लिलीज होल्ड. अब पूरी कहानी बता रहा है कि लिलीज होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज द फर्स्ट टाइम वी मेट वेडिंग वाले केस में लिलीज दिया और वाइफ को लिलीज देता है. तो मेमोरेबल वेडिंग विल जस्टिफाई दैट. यू नीड टू कट डाउन ऑन अदर कॉस्ट बिकॉज दिस इज योर बेसिक मिशन दैट यू वांट टू क्रिएट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर द क्लाइंट. सो यू शुड नॉट बी कटिंग डाउन ऑन द थिंग्स व्हिच
मेक श्योर दैट द एक्सपीरियंस इज नॉट मेमोरेबल इनफ, तो आप दूसरी चीजों में कट डाउन कर लो यार। अगर उसके लिए लिलीज इतना इंपॉर्टेंट है तो आप जाके दूसरी चीजों पे बार्गेन कर लो कि यार महंगाई बढ़ गई या कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, तो खाने में ये डिशेस कट डाउन कर लेते, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ही इज एनीवेज नॉट इंटरेस्टेड। दो डिशेस, दो एक स्वीट डिश कम हो गई, एक एक मेन कोर्स कम हो गया, आई थिंक दैट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू हिज मेमोरीज, पर लिलीज से रोजेस हो जाएगा तो इट माइट मेक डिफरेंस। मिशन और विजन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आंसर आप दोगे आप एक बार मिशन और विजन को रीड करो, अगर उससे कुछ भी कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा है, ठीक है। इसलिए भले आप प्री सीन खुला रखो ना, एग्जाम में है प्री सीन, अब आपको पता भी मिशन और विजन पेज नंबर 10 पे, और बार बार इसके क्वेश्चंस करोगे, एक दो बार रीड करोगे, तुम्हें ध्यान हो जाएगा क्या चीज कहाँ पर है, एंड देन अकॉर्डिंगली यू पिक एंड चूज, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एम्स क्या है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक एम्स भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने मिशन और विजन। चलो मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ, ओके। सो हमारे पास एक क्लाइंट आया है जो हमें कह रहा है कि उसको एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, बट दिस टाइम ही विशेस टू सेल द टिकट्स ऑफ द क्रिकेट मैच इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ही वांट्स समथिंग विच इज वेरी इजी फॉर इवन एजड कस्टमर्स, जो लोग टेक्नोलॉजी से थोड़ा बाहर है, समथिंग लाइक वन टैप ऐप जहाँ पे बंदा खाली टैप करे या स्कैन करे और 2 मिनट में उसकी टिकट हो जाए, सब हो जाए, सीट वगैरह सब मिल जाए उसको, ठीक है। एंड प्रोबेबली द ऐप इटसेल्फ विल टेक केयर ऑफ इफ देयर इज द टिकट इज बीइंग बुक्ड बाय फीमेल, तो अलग से फीमेल काउंटर का ऑप्शन दे कि आप वहाँ पे जा सकते हो, फैमिली काउंटर अलग हो, यू नो बॉयज काउंटर अलग हो, ऐसा करके कुछ सीटिंग अरेंजमेंट भी वो खुद ही कर दे अपने हिसाब से, AI यूज करें अपन, ठीक है। तो हम AI यूज करना चाहते हैं, बट दिस सॉफ्टवेयर माइट कॉस्ट अस गुड अमाउंट ऑफ मनी, वील हैव टू रेज फंड्स फॉर दैट, बट वंस वी यूज दिस सॉफ्टवेयर ये आगे सब में यूज हो जाएगा, वी एनीवेज मैनेजर सेज एनीवेज वील हैव टू शिफ्ट टू AI, तो ये बात चल रही है। तो वट शुड बी योर कंटेंशन इन सपोर्ट और अगेंस्ट द परचेज, इन सपोर्ट, ये डिस्कस बोला है तो मैं बोल रही हूँ व्हाट शुड बी योर कंटेंशंस इन सपोर्ट एंड अगेंस्ट द इश्यू। पहली बात तो SBL के लिए ना, अगर ये पेपर क्रैक करना है ना, तो माइंडसेट एक पॉइंट पर रखना बंद कर दो, यही करना है, यही अच्छा है, ये कुछ अच्छा गलत होता ही नहीं है। यू आर एक्टिंग एज अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर जो स्ट्रैटेजिक लेवल पर डिसीजन लेगा कंपनी के, कोई सही होता ही नहीं है ना। In one situation, one decision might appear right, and in the same situation, the other decision to someone else might appear right. कौन सही कौन गलत? Nobody is right, nobody is wrong, right? आप बोल रहे हो कि भैया मैं बहुत रिस्क लेना चाह रहा हूँ, आपका फ्रेंड बोल रहा है मुझे रिस्क नहीं लेनी, फाइन, बोथ ऑफ देम आर राइट, इसका ग्रोथ लेवल अलग है, इसका ग्रोथ लेवल, एंड वी कैन नॉट इवन अज्यूम द ग्रोथ लेवल्स। आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़े बड़े जो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेनर है, अलग अलग तरह के, कोई डेमोक्रेटिक है, कोई पार्टिसिपेटिव लीडर है, कोई ऑटोक्रेटिक लीडर है, एंड एवरीबडी इज इक्वली सक्सेसफुल। सो पहला चीज तो मेजॉरिटी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इन SBL डिस्कस, और डिस्कस का मतलब एक साइड तुम ले ही नहीं सकते, ले लिया वहीं पे मार्क्स कट गए, तुमको यहाँ पे बोलना है इसके फेवर में ये है, इसके अगेंस्ट ये है, डिस्कस बोला है, कंक्लूड नहीं बोला, ये फेवर में पॉइंट है ये अगेंस्ट पॉइंट है, अब आप देख लो आपको जो ठीक लगता है, राइट। अगर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे रहे हो तो जस्ट कीप दीज थिंग्स विद दिस टेक्नोलॉजी, इफ यू आर नॉट डूइंग विद दिस टेक्नोलॉजी कीप दीज थिंग्स इन माइंड, दैट्स इट। मेरे को सजेशन देना, ठीक है, मेरे को खाली प्रोस कॉन्स बताने, अब बताओ सॉफ्टवेयर ले नहीं ले, डिस्कस वेदर द सॉफ्टवेयर शुड बी टेकन ऑर नॉट। नहीं वो वही तो कह रहा है कि बहुत AI वाला सॉफ्टवेयर है और बहुत आसान है, somebody that was the main purpose that even an aged person can just add a touch and tap, touch tap go pe he can do it, अपना कॉस्ट बढ़ेगा, सो दैट कैन बी एन इशू बिकॉज राइट नाउ द सिचुएशन डजंट लुक वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, अपना प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो अगर अपने प्रॉफिट से फंड करने की सोच रहे तो प्रॉफिट भी पिछले सालों से कम हुआ है, लिटरल नंबर्स में कम हुआ है, 38 मिलियन से हम 36.5 मिलियन के प्रॉफिट पे आ गए, 1.5 मिलियन प्रॉफिट गिरा है, तो वहां पे प्रॉफिट से फंड करना तो ऑब्वियसली कैश इश्यूज होंगे। हाँ और कुछ मैं
नए लोग हायर करने पड़े। अभी अभी इम्प्लॉयज की क्या हालत है? 35 इम्प्लॉयज है, वही टिके हुए हैं ना, कोई ऐसा आ तो नहीं रहा, जा तो नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये पुराने टिके हुए हैं तो उनको नए सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता होगा। या तो ट्रेन करो या तो हायर करो, और डेटा सिक्योरिटी तो इशू रहेगा ही रहेगा। हाँ, रेजिस्टेंस ऑफ चेंज हो सकता है, तो उसका चेंज मैनेजमेंट दिमाग में रख के कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। व्हाट कैन बी द पॉइंट्स इन फेवर, बहुत सारे अगेंस्ट बोलते हैं। इनोवेशन है तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, बहुत बढ़िया। हर स्ट्रेटेजी, जो भी स्ट्रेटेजी आपको बोल रहा है, ये लाए कि नहीं लाए, ये सॉफ्टवेयर लाए कि नहीं लाए, या ये नया प्रोजेक्ट लेके नहीं ले, एवरी थिंग इज टू बी असेस्ड वाया मिशन एंड विजन। ये बार बार एक गलती कैसे कर रहे हो तुम? ठीक है, क्या बोलोगे यहाँ पे? हमारा पर्पस है टॉप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, तो अगर एआई वो मैनेज कर लेता है, क्योंकि मैनुअली सर्विस प्रोवाइड करने में क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होती है और हमारा रेटिंग स्कोर भी गिर रहा है, तो अगर एआई वो मैनेज कर लेता है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा हमारा जो स्ट्रेटेजी गेम्स है, दैट इज टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस एंड यूटिलाइज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। सो दिस इज इन लाइन विथ आर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी रखते। तो ये पेज जो है, पेज नंबर 10 ऑफ योर प्री सीन, दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ स्पेसिफिकली बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एनी न्यू डेवलपमेंट्स, एनी न्यू प्रोजेक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन थ्रू दिस। ठीक है, मिशन विजन के हिसाब से बहुत बढ़िया, नहीं है तो दैट बिकम्स अ पॉइंट। ठीक है, लेकिन अगर वो हमारे मिशन विजन के साथ नहीं है बट उसको करके अच्छा होगा तो फिर हम विजन मतलब चेंज कर सकते कोई हैं। भी ऐसा मिशन विजन रखेगा ही नहीं कि जिससे अच्छा होने वाली चीज नहीं होगी, बिकॉज मिशन विजन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट, राइट? कि हम क्या चाह रहे हैं, इट्स अ बेंचमार्क। तो मतलब तुम कहना चाह रहे हो कि ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी है जो बेंचमार्क से भी ऊपर है, पॉसिबल ही नहीं। लिखना उसमें लिखा हुआ नहीं, बट स्टिल उसका पॉजिटिव कुछ हो रहा है। एग्जाम्पल, लेट्स टॉक ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। तुम्हारे सामने मिशन विजन, बताओ एग्जाम्पल, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे मैं अपनी बात जस्टिफाई करती हूँ। आर क्लाइंट्स विद टॉप क्वालिटी सर्विस, एनीथिंग यू डू जो बेटरमेंट के लिए कंपनी के, वो अपने आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंप्रूव कर देगा, क्योंकि मिशन विजन आर नेवर नेवर मेजर्ड और स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल ग्राउंड्स, दे आर ऑलवेज जेनरिक वर्ड्स, और जेनरिक वर्ड्स बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं। दे दो, तुम कह रहे हो सस्ता कर दे प्रोडक्ट को, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दे, जो बिल्कुल मिशन विजन के खिलाफ है। मैं तो मना ही करूंगी, मैं तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप जिस कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट में हो, फिर आपके पास वैसे भी रिपीट क्लाइंट आना बंद हो रहा है, तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, क्वालिटी घटिया कर दोगे तो। ठीक है, और क्या हो सकता है? कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, ये भी नहीं हो सकता, मिशन विजन के खिलाफ है। मेमोरेबल एक्सपीरियंस का मैंने एग्जाम्पल दिया था, लिलीज वाला, वो भी मैं मना कर दूंगी, तो और ऐसा क्या हो सकता है? व्हिच आर यूज्ड इन मिशन विजन आर बेसिकली द बेंचमार्क ऑफ दोज इंडस्ट्रीज, हाईएस्ट बेंचमार्क्स होते हैं। ये हो गया तो बस मेरी कंपनी का नाम हो जाएगा, राइट? तो ऐसा तो कुछ सिचुएशन नहीं होगी जो मिशन विजन से भी बेटर हो, पॉसिबल नहीं है, है ना? हाँ, ये जरूर होगा कि मिशन विजन से नीचे की क्वालिटी हो, तो बोलेंगे नहीं, इतना इतना नीचे लेवल पे हम नहीं जा सकते, बिकॉज इज नॉट अकंपनिंग माय मिशन एंड विजन। ठीक है, डन, ओके। और तो उसी को अगर लिखते एग्जाम में पेस्टल एनालिसिस कौन से पेज पे करके दिया? तो रिस्क को अपन देखें, लैंग्वेज पहला पॉलिटिकल जाएगा, वो तो बेसिकली रिस्क एलिमेंट के बारे में ना, नहीं तो पेस्टल एनालिसिस में तुम इसका कुछ एक्स्ट्रा लिखोगे ना, काफी चीजें जो यहाँ पे दे रखी हैं और काफी चीजें जो यहाँ पे नहीं दे रखी हैं, जो प्रोबेबली वुड हैव टू गो बैक एंड चेक, कुछ ना कुछ तो ऐसे इंडस्ट्रियल। हाँ, ये एक्चुअली आपको रिस्क रजिस्टर इंटरनल व एक्सटर्नल भी दे रखा है, ये बोल रहा है, बट एक्सटर्नल रिस्क भी दे रखी है, बट ऐसा नहीं है, पेस्टल एनालिसिस और रिस्क रजिस्टर में बहुत फर्क होता है। तो हाँ, इधर से आप पॉइंट्स उठा सकते हो, ये जरूर है कि इधर आपको बहुत सारे भर भर के पॉइंट्स मिल जाएंगे। चैप्टर चेक, पोर्शन चेक करना पड़ेगा, आगे वाले पोर्शन में जो लिखा है वो ज्यादा काम आएगा पेस्टल एनालिसिस के लिए।
आप सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेटेड डिटेल्स दे रखी है वाली, ये काम आएगा ज्यादा। देखिए यहाँ पे ये आ गया आपका पेस्टल एनालिसिस, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंट कहाँ दे रखा है ना। ठीक है, अब हार्दिक ने कुछ क्वेश्चन चेक किए, मतलब आप लोगों ने ट्राई किए टू फिगर आउट और फाइंड आउट सम क्वेश्चंस व्हिच माइट बी असेस्ड। हाँ जी, कैसे क्वेश्चंस बोल रहा है। तो हमने दूसरा टास्क लिया था कि हम एआई यूज करके विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट क्वेश्चंस माइट बी अस। मैंने एग्जीबिट भी बना दी है और टास्क भी बना दिए। हो सके एग्जिबिट से बना दिया यार, ये व्हाट्सएप ही नहीं चला। आई थिंक दैट्स एक सेकेंड।